हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यस बाइक। और आज आप देख रहे हैं डिस्कवर छोटी, जिसमें एक प्रॉब्लम आ चुकी है। प्रॉब्लम ये है कि बिल्कुल भी पिकअप नहीं ले रही है। पिकअप बिल्कुल मर चुका है इस बाइक का। ऐसे लग रहा है जैसे चल ही नहीं रही। पीछे से 6-7 बैठ गए इसके ऊपर। तो इसका पिकअप इंक्रीज करके दिखाता हूँ मैं आज आपको। और मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहना और देखना कैसे हम इसका पिकअप इंक्रीज करते हैं। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें सबसे पहले ये देखना है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो वो प्रॉब्लम मैंने देख ली है, तो आपको सीधा ले चलता हूँ वीडियो में और वहाँ दिखाता हूँ। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर करें। चलिए मिलते हैं वीडियो में। सो गाइस, सबसे पहले ये बोल्ट खोलें किक का। उसके बाद ये क्लच वाला कवर है, ये बाहर निकाल लेंगे। और ये बाहर निकाल लेता हूँ मैं, खोल लेता हूँ, उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको। आगे वीडियो में बने रहना मेरे साथ, वीडियो बड़ी इंटरेस्टेड होने वाली है। इसका और भी काम है आपके, आगे दिखाता हूँ मैं इसमें क्या क्या होने वाला है। आप बस वीडियो को एंड तक देखोगे तभी समझ में आएगा, और खूब इंटरेस्ट आने वाला आज आपको। सो गाइस, सबसे पहले हमें ये बोल्ट खोल लेना है। क्लच कवर बाहर निकाल लिया हमने। क्लच कवर बाहर निकालने के बाद ये बोल्ट खोल रहा हूँ मैं। और बोल्ट खोलने के बाद क्लच सेट बाहर निकाल लेंगे सारा। उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको इसमें क्या प्रॉब्लम आई है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है इसमें। क्लच हब तो ठीक लग रहा है, क्लच सेंटर ये थोड़ा कट चुका है ज़्यादा, इसमें जीरियाँ हो चुकी है। देखते हैं बात करके कस्टमर से वो क्या बोलते हैं। वैसे तो ये चेंज करने वाला हो गया, इसको हम रिप्लेस कर देंगे। जैसे रिप्लेस करेंगे इसमें डबल जान आ जाएगी और ये आवाज़ से बातें करने लगेगा। वो भी करके मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखो, ये चीज़ें दिख रही है, शायद आपको दिख रही हो, कैमरे में आ रही है नहीं आ रही। ये देखो, ये लाइन ऐसी बनी हुई ना, हल्की हल्की दिख रही है जो। क्लच प्लेट है तो इसकी बिल्कुल फूक चुकी है, कुछ बचा ही नहीं है। ये देखो, बिल्कुल से ख़त्म हो चुकी है। ये क्लच प्लेटें निकाल देते हैं बाहर। ये 5 पीस देते हैं इसमें। ये है डिस्क और छोटी बजाज की, बजाज डिस्क और छोटी। ये देखो, तो चलिए मैं आगे दिखाता हूँ आपको। वीडियो में एंड तक बने रहना और देखना कि मैं किस हिसाब से इसको सेट करता हूँ। अगर आपने मेरी तरह की तरह जैसे सेटिंग करवा ली ना, जैसे मैं करवा रहा हूँ कर रहा हूँ, वैसे अगर आपने सेटिंग करवा ली क्लच की, कसम से आपकी बाइक दौड़ने लगी और माइलेज भी इसके साथ इंक्रीज हो जाएगी, माइलेज भी बढ़ेगी। गाड़ी आपकी अगर ओवर हीटिंग हो रही है तो भी ये प्रॉब्लम आती है। इसी प्रॉब्लम की वजह से ओवर हीट भी होने लगती है बाइक। सो गाइस, आपको ये ट्रिक लगानी है। पिकअप अगर आपको क्लच प्लेट नहीं डाल रहे हो और नहीं डालने के बाद भी पिकअप नहीं आ रहा है, तो उसका एकमात्र यही सॉल्यूशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखो, थोड़ी सी फर्श पे मिट्टी मिल जाती है, नहीं होती है तो थोड़ी सी डाल लो और इसको रफ कर लो। ये बहुत ही शानदार ट्रिक है, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है 24 सालों का। मैं कोई किसी को देख के नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। अगर ये चीज़ ना हो ना, फिर आप मेरे को बोलना क्लच प्लेट के पैसे मेरे से ले जाना। बस क्लच का हब सेंटर है ना, वो सही होना चाहिए। इस बाइक का कुछ ठीक ही लग रहा था मेरे को चलने लायक, मैंने पुराने वाला ही डाला है, नया नहीं डाला है, रिप्लेस नहीं किया है। कस्टमर अपने जान पहचान के तो उन्होंने बोला कि चलो यार बाद में देखते हैं, एक बार के लिए ऐसे इनको ही सेट कर दो। तो मैं फिर समझ गया और आप भी समझ सकते हो। तो मैंने ये रख कर रहा हूँ थोड़ी इनको,
प्रेशर प्लेटों को, इनको रख करके आप डालोगे तो आप यकीन नहीं करोगे आपकी बाइक, मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। और यो तो फिटिंग हो चुका है, ये स्प्रिंग वगैरह लग गए ऊपर, क्लच प्लेट हमने सेट कर ली इसमें और ये लग गया ऊपर, ये स्प्रिंग लग गए। स्प्रिंग लगने के बाद में ये बेयरिंग प्लेट होती है ऊपर, ये लगेगी अब इसमें, ये बेयरिंग सेट करके पहले लगा लेना आपको बेयरिंग, क्योंकि ये जब बॉल टाइट करते हैं तो ये थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है ना, उसके बाद में फिर ये लगने में प्रॉब्लम करती है, बेयरिंग नहीं लगता इसमें, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है कभी कभी, ये चलता नहीं, अंदर ठोकना पड़ता है ये वो, तो उससे अच्छा है कि पहले ही लगा लो आपने तो बाद में प्रॉब्लम नहीं होती। तो मैं इसको फटाफट से फिटिंग कर लेता हूँ, दिखाता हूँ आपको आगे। गाइज लगा लिया है हमने क्लच कवर राइट साइड का और बाइक रेडी है अपनी, एकदम मस्त हो जाएगी अब। तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।